धनु मारता है तो बोलू मारो मत, नहीं मारता है तो नहीं, ऐसा बार बार बोलू हो मोहन तो छोड़ेगा, मोहन का बाप भी दारू छोड़ेगा। जय राम जी। देखो मैं सियाना लगता हूं, मांडा हुआ यहां कि नया, जय राम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे पान मसाला या दूसरी जो भी इल्लत है वो छुड़ाने के लिए आप वो रिपीट करो, उन चीज में क्या दुर्गुण है वो उनको समझाओ, और छोड़ने से क्या सद्गुण है वो समझाओ, उनका मन पकड़ लेगा, आराम से छोड़ेगा। लेकिन आप दुश्मन होकर उनको रोकोगे टोकोगे तो नहीं छूटेगा। ऐसे आपके बेटे बेटी में भी जो ऐब है उस ऐब को बता बता कर उनको शत्रु मत बनाओ, लेकिन उनके अंदर कोई गुण है उसका बखान करके उनको अपना मित्र बनाकर उनके अहम को पोषो, और अहम को पोष कर फिर उनकी गलती दिखाओ कि ये तो तुम्हारे में गुण है, बाकी जरा सा इतना दुर्गुण तुम छोड़ो तो मुझे बहुत आनंद आएगा। तो उसके अहम की खुशी खुशी में वो दुर्गुण छोड़ने को तैयार हो जाएगा, बेटा आपका आज्ञाकारी भक्त बन जाएगा, बेटी आपकी आज्ञाकारी सेविका बन जाएगी। छोरी रन तू ही दी करे होडे दी न्यारे हे थे माफी जो नालो खराब कही है ऐसा ओ मुथी नहीं छोरी बुढ़ी मर तो खे भी बोड़ी नहीं पेरी छोरा तो ऐसा है तूने तो माँ बाप की इज्जत खराब कर दी, तेरे को शर्म नहीं आती, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ और तू नपास हुआ भया बेशर्म है भया बुढ़ी मर भया ये कर तो छोरा और भी डुबा देगा। अगर कोई दुर्गुण है उसमें कुटुंबी में तो उस दुर्गुण को निकालने के लिए उसका सदगुण खोजो, और सदगुण के बखान करके उसको आप अपना बनाओ, और फिर दुर्गुण में क्या क्या हानि होती है मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जो लोग पान मसाला खाते तो क्या होता है पान मसाले में, सड़ी गली सुपारी, तंबाकू निकोटिन पॉइजन, काथा, काथा एक असली काथा 700 रुपए किलो होता है और नकली काथा 100 से 200 रुपए किलो तक बनता है, नकली काथे में स्लाटर हाउस का खून डालते हैं, ऐ राम राम, ये जो बैल कटते गाय कटती भैंसे कटती और बीमार प्राणी कटते उनका खून उससे काथा बनता है। तो ये पान मसाला बनाने वाले बोलते हैं कि बापूजी कमाने के लिए हम 700 रुपए वाला क्यों डालेंगे, 150 वाले वही डालेंगे। जय राम जी की। तो उस पान मसाले में एक ये चीज पड़ती है, और दूसरी कि वो जो दिया जलाते और पतंगिया मच्छर खाने के लिए वो चिपकली आती है ना सांडी, उसके पूंछ का पॉइजन और तंबाकू का पॉइजन दोनों मिश्रण होता है तो थोड़ा नशा बनता है। हाय राम, क्या आपका मुंह गटर का ढक्कन है कि ये कचरा डाला जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि इतनी गंदगी चीज है। अगर आपको पान मसाले की इल्लत पड़ गई है तो उसकी जगह पर 100 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए, 50 ग्राम अजवाइन, 2 नींबू निचो दीजिए, थोड़ा सेंधव डाल दीजिए, तवे पर सेक लीजिए और जेब में रखिए। जब भी पान मसाला मुसीबत की जरूरत पड़े तब वो अमृत मुंह में डालिए और गटर से दूर रहिए। हरड़े ले लीजिए, टुकड़े करके घी पे सेक दीजिए, जेब में रखिए, जब भी मौका मिले हरड़े का टुकड़ा चबाइए। हरड़े को दूसरी माता का है, धात्री का है आयुर्वेद में, पुराने कोष मरे हुए कोष फेंक निकालेगी, नए कोषों को जन्म देती है, आपकी लॉन्ग लाइफ होने में हरड़े सहयोग देगी। तो पान मसाला आपका छूट सकता है और उसकी जगह पर हरड़े अथवा तो सौंफ का मिश्रण आप ले सकते हैं। अब इस बात को समझाकर मैं आपको कहूं कि आज के बाद आप पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में डालने को राजी होंगे क्या? आप तो समझदार हैं, तो आप तुरंत ना बोलेंगे, और पान मसाला छोड़ने के लिए अब मैं कहूंगा तो आप हजारों हाथ ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल अभी मैं दिखा सकता हूं। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करें, गिन लो हाथ, हाथ ऊपर करो और गिनो हाथ, हजारों हाथ आ गए। रोग पुराना है तो औषध कुछ समय लेनी ही पड़ती है, करोड़ों जन्म का इस जीव को काम का क्रोध का लोभ का स्पर्श का विकार का आकर्षण है तो एकाएक नहीं छूटेगा, लेकिन जब राम का रस आने लगेगा तो काम का विकार धीरे धीरे शांत होने लगेगा, भगवत रस आने लगेगा तो भोग का आकर्षण कम होने लगेगा,
जैसे नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले भागती है, ऐसे ही जो जो साधन भजन का रस आएगा त्यों त्यों विकारों से बचता जाएगा, और जो जो विकारों से बचता जाएगा त्यों त्यों परमात्मा का रस बढ़ता जाएगा। जन्म कोटि समभ्यस्ता रामम संसार वासना न चिराभ्यास योगेन विनयम शाम्यति क्वचित। श्री राम, यह संसार की वासना करोड़ों जन्मों के अभ्यास से बनी है, अतः बिना बहुत दिन के साधन अभ्यास यह कभी शांत नहीं होती, इसलिए आदर पूर्वक बहुत दिनों तक अभ्यास करके अपना काम बना लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कर्मकांड को जानता था, पूजा पाठ की विधि विधान को जानता था, लेकिन बहुत काल का अभ्यास था उसका लोभ का। वो ब्राह्मण बड़ा लोभी था, अपना धन तो छुपा के रखता था, भिक्षा मांगकर उसमें से भी थोड़ा सेविंग करता था और बाकी का गुजारा करता था। पत्नी उसकी बड़े घराने की थी, देखने में खूबसूरत थी और अकल में भी जरा चपल थी। घर में उसी व्यक्ति की चलती है जो अकल से ज्यादा पुष्ट होता है, जिसके पास ज्यादा विल पावर होता है उसी की घर में चलती है। समाज में भी ऐसे होता है, जो तन से दुर्बल है वो रोगों का शिकार होता है, और मन से दुर्बल है वो दूसरों के प्रभाव का शिकार बनता है, जो बुद्धि से दुर्बल है वो विकारों का शिकार बनता है, जो आत्मा से दुर्बल है वो सभी मुसीबतों का शिकार बनता है। इसलिए सुबह उठकर आत्म विकास करना चाहिए। सूर्योदय के पहले स्नान करके सूरज के सामने बैठ जाए, लंबा श्वास ले और हरि नाम का प्लुत उच्चारण करे। हर्ष उच्चारण करने से पाप नाश होता है, दीर्घ उच्चारण करने से ऐश्वर्य में सफलता मिलती है, और प्लुत उच्चारण करने से आत्मबल का, आत्मशक्ति का, आत्मोन्नति का विकास होता है। 10 मिनट इस प्रकार का उच्चारण करें, थोड़े ही दिनों में आत्मबल विकसित होगा, जिससे मनोबल, बुद्धिबल और शरीर बल अपने आप डेवलप होने लगेंगे। ध्यान योग शिविर में ये प्रयोग कराए जाते हैं। साल में 2 शिविर अहमदाबाद आश्रम में लगती और 2 शिविर सूरत के आश्रम में लगती और 1 शिविर मध्य प्रदेश के आश्रम में लगती, 1 शिविर कभी कभार सौराष्ट्र के आश्रम में लगती राजकोट आदि में। तो जो शिविर अटेंड करते हैं वो 3-4 दिन वहां रहते हैं, सुबह दोपहर और शाम को ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं और सत्संग। वो 4 दिन में 4-4 घंटे रोज, 3-3 घंटे, 12-16 घंटे, वो इतने लोग